ऐसा लग रहा है इन लोगों को ये सही में उड़ रहे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है लेटे हुए हैं बस और झूला उनको झुलाया जा रहा है। बतख की राइड लेना चाहेंगे या वेलकम गाइस, आज मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे आप लोग भी जाना पसंद करोगे। वो जगह है एडवेंचर आइलैंड या मेट्रो वॉक भी कहते हैं उसको। तो ये रेड लाइन का आखिरी स्टेशन रिठाला पड़ता है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ जाना है, शुरुआत से एंड तक क्या क्या होने वाला है, वो हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट स्टेशन इज़ पंजाबी बाग। जो लोग ग्रीन लाइन से जा रहे हैं उन्हें इन लोग पे चेंज करना पड़ा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो पार्किंग की फुल फैसिलिटी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अपनी गाड़ी पार्क करने में, और चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। देखो दोस्तों, कार की पार्किंग है 50 रुपये, बाइक के 30 रुपये। और ये कब को दोस्तों देखो मेरे पीछे है एडवेंचर आइलैंड है या मेट्रो वॉक, दोनों से कुछ भी कह लो हम आ चुके हैं। झंडा ऊँचा है हमारा, जिसमें झंडा भी है नहीं। अब हम तुम्हें अंदर झंडा है अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे है आ जाओ। एडवेंचर आइलैंड के अंदर डी कैथलोन का शोरूम है और ये बाहर भी कपड़े मिल रहे हैं। और ये बर्गर किंग भी है इसके अंदर, ये बर्गर किंग भी है। वुडलैंड का शोरूम भी है, क्या क्या चीज़ें हैं यार, इतनी बढ़िया बढ़िया। मेन पार्ट है इसमें झूले, झूले देखें कहाँ हैं। ये प्ले गेम प्ले करने का भी है, बास्केटबॉल का है, सेवियर बॉल है, सारी क्या है टैडी हाउस है। इसमें पैसे दे के गेम खेली जाती है, खिलाई जाती है और खेली भी जाती है। वो रिंग भी रखी हुई है, देखो इसमें रिंग फेंको और जीतो। क्या बात है, ये देख एक तरफ बर्गर किंग और एक तरफ मैकडोनल्ड, दोनों में से जहाँ सूटेबल लगे आपको किसका पसंद, जहाँ सूटेबल लगे वहाँ जाओ। देखो दोस्तों मैं सामने क्या है, हवाई जहाज। देखो दोस्तों टिकट रेट दिख रहा है ना आपको, जो 700 रुपये की टिकट हुआ करती थी अब 350 की मिल रही है। और टाइमिंग देख लो 10:30 से 6 बजे है, और पार्क अलग से बना हुआ है इन लोगों ने जो 11 से 7 बजे तक का है। ये टिकट काउंटर है पूरा, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। इसमें 15 राइडें हैं जो वर्किंग कर रही है, जैसे क्लिफ हैंगर, साइक्लोन, फायर ब्रिज। तो दिखा दो 15 दिखते हैं कितनी राइड चालू है। और ये 100 रुपये एक्स्ट्रा है उसके एक्वा बम के, जो पानी का स्विमिंग पूल है ना उसके। और ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 2 टिकट लिए मैंने 700 रुपये में। ये टिकट मिल गई है हमें, सब एडमिन फीस 296 रुपये, टोटल मिला के 350 रुपये। और दो बैंड दिए जो हाथ पिल बनेंगे 14 मई। बहुत गर्मी है भाइयों, टेम्परेचर है 45 डिग्री, बहुत गर्मी है। टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट ली थी अपन ने। रनवे गेट रेडी टू फ्लाई विदाउट विंग्स, रनवे। ये हवाई जहाज है लेकिन ये एक तरह से होटल है, इसकी टिकट लगती है। इसके अंदर खाते हैं बंदे, इसके अलग से 100 रुपये या 200 रुपये टिकट है जो खाते हैं। अभी हम पहले घूम लें एडवेंचर आइलैंड, उसके बाद जाएंगे इसमें खाना खाने के लिए। तो बढ़िया लग रहा होगा आपको व्यू है ना, पानी में तैरता हुआ हवाई जहाज, गाने भी बज रहे हैं, देख लो दिख रहे होंगे शायद आ रहा हुआ एक आधा गाना। टिकट लेने के बाद सबसे पहले आपको ये 2 घोड़े दिखेंगे, करेंगे बंदों का
ये आप तो जानते हो ना आईफिल टावर, लेकिन नकली का आईफिल टावर है ये, बहुत छोटा है, इस पर कोई भी चढ़ जाएगा, असली वाले पे तो कोई ना चढ़े। आओ देखें आगे से कैसा लग रहा है। चलो हम चलते हैं अपनी पहली राइड की तरफ, देखते कौन सी राइड है पहली। आ जाओ थी एकदम बोर बकवास। इससे अच्छा तो अपना ड्राइविंग वाला झूला था, 10 रुपये लेकर जो करवाते हैं टेस्ट चलवाते हैं वो बढ़िया होता है। ये पैप इतनी बकवास, मजा आ गया। स्कूल के दोस्तों अलग से 100 रुपये है, ये देखो 350 की तो टिकट एंट्री की और स्कूल में जाने के 100 रुपये है। अभी आएंगे देख लो भाई ऐसे ऐसे बंदे क्या हुआ। बहुत अफरान ही दिखा रहे थे, निकाल दिया इनको, अफरान ही दिखा रहे थे। वो तो गया स्टार्ट ठीक तो इतना मजा तो आया है इस वाले में। भीड़ देखो ना यार, बढ़िया राइड होती थी ना ये किसी टाइम पे। लोग बंद कर रहे बताओ, सबसे ज़्यादा मज़े सस्ती में था, उसी को बंद कर दिया। आओ दूसरा ना दिखा मैन्यू है रनवे वर्ल्ड शो वर्ल्ड सर्फ का, इतनी महंगी महंगी है यार बताओ। समोसा 40 रुपये कर लो। बच्चों का झूला है लेकिन बच्चे कम है इसलिए बड़े भी जा रहे हैं। बच्चों का लोड उठाती है लेकिन दो बंदे बैठ जाएंगे तो बच्चों के बाहर वेट हो जाएगा, इसलिए दो दो बैठ के जा रहे हैं। से बनाओ भैया बैठ गया भैया बच्चों के हवाई जहाज में।
चलेगा, देखो क्या होता है। बनाना सामने ले तू बना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं रहा। बंद पड़ा भाई है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ट्रम्पलिंग जगह, ट्रम्पलिंग एरिया बंद पड़ा है शायद, बच्चों के लिए या हम लोगों के लिए नहीं है, बंद पड़ा है। दीदी देख लो कोई है ही नहीं, ना भीड़ ना कुछ, ना कोई बंदा। दोस्तों पानी की बॉटल लिया भी 10 रुपए जो हम कहते थे ना अपने दुकानों से, वो 30 रुपए की लिया। हाँ भाई कितने की बॉटल है? 20 रुपए की। कितने की? 20 रुपए की। 30 के लिए है सामने दे, 30 रुपए भूल गया, 30 रुपए की। नकली इंसान ज़्यादा कमज़ोर है, इसकी जो 10 रुपए की बॉटल मिले 30 में दिए लोगों ने। ये नहाने का एरिया दोस्तों, कोई भी नहा सकता है, लेकिन इसके खासियत मैं दिखाता हूँ। ये लॉकर है जिसमें लोग अपने कपड़े वपड़े रखते हैं, शूज़ रखते हैं, अपनी चीज़ रखते हैं, मोबाइल फ़ोन जो रख सकते हैं रखते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलता भाई दोस्तों। इसके चार्जेस देखो भाई, 15 रुपये देंगे तब ये लॉकर मिलेगा, यानी खुली लूट। मैं कह रहा हूँ झूलों में चले गए क्या करेंगे, मैंने 350 रुपये दिए हैं, कह रहे बच्चों वाली चीज़ें बताओ। ये बच्चों वाली चीज़ें लग रही है, कार इलेक्ट्रिक कार बच्चों वाली है, लेकिन अभी लूँगी क्या होगा, तो पैसे दिए। वाकई में बच्चों के लिए यार, ये तो कोई बड़ा ही नहीं दिख रहा। गाड़ी में बैठ के ऐसा लगा माइक क्यों बैठ गई, ऐसे घुमा दिया, चक्कर चक्कर हो गया। बच्चों के लिए ठीक है, मजे के लिए ठीक ना है। वो कितने का भैया रोल? ये रोल कितने का भैया? 70 रुपये प्लेट है सर। ये टिक्की, टिक्की 70 रुपये प्लेट है, क्या लगूँ बोलो। फिलहाल तो तुम घर घर खा लेना, 8 रुपये का रोल दे रहे हैं यार, 71 रुपये खाया कोई बताओ। मत निकलो ना घर से, फिर घूमो मत। खाना वाना खा के आओ, बैग लेकर आओ, यहाँ से कोई भी चीज़ लोगे ना, समोसा 40 रुपये का यार, 71 रुपये बॉडी में सोचा 30 रुपये भाई, कौन खाएगा देखो बताओ यार, लुटने के लिए घुमाए यार। बर्गर किंग चलेंगे ठीक है। ये साइक्लोन राइड देखो स्टार्ट हो गई है, मज़ा आएगा। कैसा लगा? बढ़िया मजा आया इस वाले राइड में, क्या नाम है इसका, साइक्लोन राइड, इसको बढ़िया मजा। आप तक कितनी भी राइड करिए ज्यादा सुकून आ रहा है। बतख की राइड लेना चाहेंगे यार दिखाना। हाँ देखो बंदो, ये वाला भी ये दूसरी राइड है जो बंद पड़ी है ना, दूसरी तीसरी शायद ना, ये तीसरी चौथी राइड है जो बंद पड़ी है,
मजा खराब कर रखा है इन लोगों ने। लिख भाई इस झूले का नाम है सी और ये बंद पड़ा हुआ है, उसको नहीं होना चाहिए था। सारा मजा तो सी और का यार। राइड का नाम है क्लिफ हैंगर, ये भी बंद पड़ा हुआ है। बताओ आधे झूले बंद कर, बहुत ऊपर होता है ये छोटा वाला है यहाँ पे। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस बंद होता है। एक भी बस से बंद कर रहे हैं। आराम से बच्चों का झूला बहुत धीरे चल रहा है। पानी और ठंडा पानी है। अरे चलो ना नाचो। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है, इस पार्क में जब आओ ना तो जल्दी आओ, प्लस अपना बैग लेकर आओ, पानी की बोतल लेकर आओ, और खाने के लिए जो ला सकते हो लाओ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। और दूसरी बात क्या क्या बोल रहा था यार, मैं भूल गया। तो अच्छा लाओ, अगर नहाना है तो साथ में टॉवल। एक और बात, अगर नहाना है ना इस पार्क में, नहाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी छोटे छोटे वो बने पड़े स्पॉट, टावल लेकर आओ और शॉर्ट जो पहन के ना सको, क्योंकि लड़कियां भी होती है वो, उनके सामने तो शर्म आएगी। इसलिए ये टावल और खाना पानी बैग खुद से लेकर आओ, फ़ायदे में रहोगे। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। देखो दोस्तों ये वाला झूला है जो ना बढ़िया है, लेकिन लोगों ने इसको बंद कर रखा है। मेन चीज़ें जो है ना झूले खाने वाली, वो तो इन लोगों ने बंद ही कर रखी है। बंदा यार क्या करे बताओ, झूले खाने आए हैं, मतलब हाफ रेट कर दिया तुमने तो झूले बंद कर दोगे, हाफ कर दोगे। और एक ये राइड है, कितनी प्यारी राइड है देख रहे हो, लेकिन ये इन लोगों ने आज ये भी बंद कर रखी है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब रेट हाफ कर दिया तो झूले राइडें भी हाफ कर दिए हैं। मेन राइड तो स्टॉप कर रखी है, बच्चों वाली राइडें खोल रखी इन लोगों ने, और ये बंदा बीच में पोज बना रहा है। ये बर्गर किंग लास्ट में देखो, जब पार्क बंद होता है तो इतनी भीड़ जाती है, बैठने तक की जगह नहीं मिलती।
वैसे बंद होने का टाइम 7 बजे है, लेकिन 6 बजे निकाल देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी लोग आते हैं, एक घंटा उनको निकालने निकालने में लग जाता है, इसलिए जितनी जल्दी आ सकते हो आओ, आपको ये फायदा है। दोस्तों जा रहे हैं, एक ही सलाह दूंगा दोस्तों, बस जल्दी आओ, हर चीज़ का मज़ा ले पाओगे, राइडिंग का, नहाने का, खाने का, सबका। जितना लेट आओगे उतना ही आपका लॉस है। हम तो लेट आए थे इसलिए हमारा को नहाने को नहीं मिल पाया, थोड़ा सा ही मिल पाया बस। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।